पर एक गल जिहड़ी मैं अजकल इत्थे रोज़ बेनती करदा, मैं वह गल अज फिर सांझी करनी चाहुंदा। मैं सवेरे मंजी साहब भी सांझी करके आया कि जिहड़ा सिखां दा दसवंध है इहदे नाल हालात वह बन गए जिहड़े सरकारां जदों ग्रांट दिंदियां ने ते तकरीबन जिहड़े नीडी लोग गरीब लोग लोड़वंद लोग हुंदे ने कई वारी वह पैसा उत्थों तक नहीं पहुँचता। खालसा जी दुनिया दीआं कौमां दी जदों गिणती करोगे उन्हां दे विच्चों अमीर कौमां दे विच तुहाडा नां आएगा, अमीर कौमां दे विच्चों। अज जरूरत है, गुरु कलगीधर पातशाह ने इहदी व्याख्या कीती, मैं सवेरे भी बेनती करके आया कि लंगर साडी मर्यादा है। लंगर साडी इह नहीं कि असीं कोई अपने वालों शुरू कीती हुई सेवा है, यह गुरु नानक साहब जी की बधी हुई मर्यादा है। मैं बेनती करा लंगर सिर्फ दाल प्रशादा हुंदा है, असी केटरिंग नू लंगर कहण लग गए, बड़ा सस्ता जिहा सौदा है, पैसे दे दिओ बनाउण वाले भी मिल जाणगे वरतौण वाले भी मिल जाणगे। खालसा जी इस तों अगे चलीए, गुरु कलगीधर पातशाह ने एक बचन आखे ने कि दान दियो इन्हीं को भलो और को दान सुहातना जी को। सानी साहब कालो साहब मैं तुहानू बेनती करदा, मैं हर संस्था नू बेनती करदा, हर सिख नू हर साधु महात्मा नू बेनती करदा कि तुसी एक पिंड विच एक सिख परिवार लभो, अमृतधारी होवे, केसाधारी होवे, गृहस्थी होवे, किरती होवे, तुसी उहदे कोठे की छत पा दिओ, तुसी उहदी धी विआह दिओ, तुसी उहदे बच्चे पढ़ा दिओ, लाइना लग जाणगियां दुनिया दियां। असी इस धर्म दे विच जाना है जिथे गरीबां दी छत पाई जाती है, जिथे गरीब की धी विआही जाती है, जिथे गरीब के बच्चे पढ़ाए जाते हैं। साडा बहुत सारा दसवंध, मैनू खिमा कर देना, बड़े सारे सेवा करन वालियां दी मेंटेनेंस ते खर्च हो गया। सेवा की बाबा हरबंस सिंह ने, मैं गुरु की हजूरी च कहना तुसी मैनू उन्हां दी थाली लिया दिओ, उन्हां दा चमचा लिया दिओ, उन्हां दी बाटी लिया दिओ जिहदे विच लंगर छकदे होण, मैनू उन्हां दा कोई ब्रांडड शूज लिया दिओ पैरां च पाउण वाला जोड़ा, कोई महंगे तो महंगा कोई ब्रांडड उन्हां दा कोई कोट कि उन्हां नू ठंड नहीं सी लगदी, कोई स्वैटर कोई कीमती शाल विखा दिओ। सेव कीती संतोख ही जिन सचो सच ते आया, उन्हीं मंदे पैर ना रखे होण कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया। सेवा सिर्फ वो करदा है। धन बाबा हरबंस सिंह जिन्हें कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक सेवा कीती, ते धन ओ गुरबख सिंह ओ बख्शी जोगिंदर सिंह जिहड़ा 100 तो उपर गुरद्वारे गिण दिंदा सी अनाउंसमेंट कर दिया, अज आ जिहड़े सुंदर महल बने ने उस महापुरख ने बनाए ने। खालसा जी अज जरूरत है आपां उत्थों तक पहुँचीए, सानू संगत का पैसा अपने ते खर्च नहीं करना चाहिए, सानू संगत का दसवंध एक एक पैसा उन्हां गरीब सिखां तक लैके जाना चाहिए। खालसा जी उन्हां गरीबां दी बांह फड़ लो, कोई व्यक्ति अपना धर्म नहीं बदलता, हिंदुस्तान की संस्कृति है। 700 साल 1200 साल गुलाम रहने वाले जिन्हों दियां धीआं भैणां टके टके ते जाके गजनी के बाजारों में विकियां, कि उन्होंने धर्म छड्ड दिता? कि साडियां मावां जिन्हां ने खन्नी खन्नी रोटी दे गुजारा किया, जिन्हां ने बच्चों के टुकड़े कराए, जिन्हां ने गलां च हार पा ले, कि उन्होंने धर्म छड्ड दिता? नहीं, ये वक्ती हवा है, इन सब कुछ नूं ठीक किया जा सकता है। सिर्फ अज खालसा जी तुहाडा फैसला करन दी लोड़ है कि सब तो पहला असी गरीब सिख लभांगे और उहदी बांह फड़ांगे। जिदन तुसी बांह फड़ लोगे इत्थे लाइना लग जाणगियां कि भाई साडी भी बांह फड़ो, साडी भी बांह फड़ो। और उन्हां नूं सानू फर्ज भी बनता है, साडा फर्ज भी बनता है कि जिन्हां ने इन्नियां दुश्वारियां विच अजे तक अपने केस नहीं कटाए, अजे तक अपने ककार नहीं उतारे, अजे तक उन्होंने किसी अगे हाथ नहीं अड्डिया, अजे तक वह अपनी छोटी तो छोटी किरत करके भी अपना परिवार पालते ने, अज फैसला कर लीए असी उन्होंने सिखा की बांह फड़ांगे। गुरु कलगीधर पिता के बचन मान लीए कि दान दियो इन्हीं को भलो
और को दान सुहातना जी को सच्चे पातशाह मेहर करनगे। जिहड़े जिहड़े सिख इस कार्ज विच अपना हिस्सा पाउणगे, मेरी अरदास है खालसा जी परमात्मा तुहानूं चढ़दी कला बख्शेगा। जदों तुसीं गुरु वाले पासे मुख करोगे तां चेता रख लैणा कि सतगुर की सेवा सफल है। जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना, हमें विचो जाए।